So good morning, everyone. Welcome to the class of Tally. I myself, Ankit Patwari, the instructor for your Tally course, right? And in my initial video, I have already explained you how to download this Tally application, right? We'll be moving very slowly because it's an online class and physical hone se thoda farak padta hai. But online mein, I will do the things and simultaneously you are going to do you at your end only, right? And I've already told you that it's better to use laptop or desktop so that this you can work the applications well, right? Aiye. So hum logo ko padhna hai. We have to learn this Tally ERP 9, right? Now, it's a beautiful accounting software. Sabhi ko malum hai. Accounting software hai ye. बेसिकली जो हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते थे उसको इसने रिप्लेस कर दिया, राइट? परफेक्ट. रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग. मैनुअल अकाउंटिंग की बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी. जैसे एक ड्रॉबैक ऐसा था, एक चैप्टर अकाउंट्स में हम लोगों को कभी भी पसंद नहीं आया, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. मैनुअल अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक वाज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जैसे कि एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन मतलब क्लेरिकल एरर्स. डेबिट को डेबिट नहीं करके क्रेडिट कर दिया. डेबिट 2000 था बट उसको डेबिट कर दिया 200 से, तो अमाउंट गलत लिखा, अकाउंट गलत चूज कर लिया, गलत साइड में लिख दिया, बैलेंस गलत निकाल लिया, टोटल गलत निकाल लिया, कास्टिंग एरर्स, पार्शियल ओमिशन, काफी सारे एरर्स होते थे जिससे कि मैनुअल अकाउंटिंग हमें बहुत बल्की लगने लगा, राइट? मैनुअल अकाउंटिंग बिकेम वेरी मच बल्की. तो इसीलिए वी थॉट ऑफ सम इनोवेशंस एंड इन द ईयर 1986 श्याम सुंदर एंड मिस्टर भरत गोयंका, हिज सन, दे केम अप विद दिस अकाउंटिंग एप्लीकेशन. इट्स वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड एंड इट कंटेन्स द रीसेंट डेवलपमेंट एज वेल. 1986 में जब इन लोगों ने इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर आया तो इसका नाम हुआ करता था पेट्रोनिक्स, राइट? देन 20th सेंचुरी में इन लोगों ने डेवलपमेंट करके इसका नाम रख दिया टैली. एंड पहले फिर टैली 5, 6 ऐसे करते करते अभी हमारा टैली ERP 9 था. देन लेटेस्ट एडिशन में हमारा टैली ERP 9 आया है. सर, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या हम लोग खाली अकाउंटिंग करने वाले हैं? नहीं, अकाउंटिंग तो करेंगे ही, उसके साथ साथ मैनेजमेंट. सर, मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू इन्वेंट्री. आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इट हेल्प्स यू, ओके? नंबर वन. नंबर टू, डेटर्स मैनेजमेंट. जब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, सपोज मैंने आपको आज गुड्स बेचा, आज 1 अप्रैल है, मैंने आपको गुड्स बेच दिया एंड आई हैव गिवन यू 30 डेज का क्रेडिट. नाउ व्हेन दैट 30 डेज का क्रेडिट इज गोइंग टू एक्सपायर ऑन 1 मई, तू मेरे पास 29 अप्रैल को आया, बोला कि साहब मेरे को माल चाहिए. अब तुम्हारे हजारों कस्टमर्स हैं, तुमको ये मालूम ही नहीं है कि किसका पेमेंट आया नहीं आया, तो तुमने ऑटोमेटिकली उसको माल बेच दिया. प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका एक बिल ऑलरेडी ड्यू है और उसने उसको आपने और उधार में बेच दिया, तो एज अ रिजल्ट यू आर इंक्रीजिंग योर चांस ऑफ बैड डेट. यही चीज अगर मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करूं, फायदा क्या होगा? जैसे मैंने ड्यू डेट 1 मई डाला हूं, 5 दिन, जैसे ड्यू डेट विल अप्रोच ना, उसके 5 दिन तक वो मेरे को एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन देता रहेगा, राइट? और मैं सॉफ्टवेयर में जाके इजीली चेक कर सकता हूं कि इसका कोई पेंडिंग बिल्स है कि नहीं. बट मैनुअल अकाउंटिंग में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज द बुक्स आर वेरी वॉल्यूमनस. सपोज वो मेरे से 3 मई को गुड्स लेने आता है, ऑलरेडी 1 मई को उसका बिल ड्यू हो गया था, उसने पेमेंट नहीं दिया. जैसे मैं सिस्टम में मारूंगा ना, सिस्टम पॉपअप करेगा. क्या पॉपअप करेगा? दिस कस्टमर इज ओवरड्यू, इसका एक बिल बाकी है. तो एज अ रिजल्ट आप यू विल बिकम वेरी कॉशियस बिफोर सेलिंग द गुड्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो काफी सारा मैनेजमेंट हो सकता है. यू कैन क्रिएट इंस्टॉलमेंट्स. आज काफी सारा चीज हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हैं, हायर परचेस ट्रांजैक्शंस, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ MIS रिपोर्ट्स यू कैन जनरेट. काफी सारा चीज हम लोग पॉसिबल है इसमें. तो
अकाउंटिंग तो करते ही है, साथ में मैनेजमेंट रिलेटेड चीज भी हम लोग इजिली इसको मैनेज कर पाएंगे थ्रू दिस अकाउंटिंग एप्लीकेशन. वेरियस रिपोर्ट्स कैन बी इजिली जनरेटेड, रेशियो एनालिसिस ऑल्सो यू कैन डू. देर आर लॉट ऑफ रेशियोज बिकॉज यू नो अकाउंटिंग में खाली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं होता. वंस यू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, उसके बाद आपका एनालिसिस पार्ट स्टार्ट होता है. जैसे क्रेडिटर्स दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द करंट रेशियो, सो आप करंट रेशियो निकालते हैं. देन आपका लेंडर्स है, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट, सो दैट दे कैन कम टू नो कंपनी ने कितना गुना कमाया है एज अ रिजल्ट ऑफ माई इंटरेस्ट पेमेंट, राइट. इंटरेस्ट पेमेंट जो करना है उसका कितना गुना कंपनी ने कमाया है. तो काफी सारा चीज हम लोग इजिली कर सकते हैं, वेयर एज मैनुअल अकाउंटिंग में ये चीज करना पॉसिबल नहीं होता था. क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग में अपने पीएल बैलेंस शीट कब बनाते थे? मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग पीएल बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते थे. बट इस अकाउंटिंग पैकेज में क्या होगा, इट्स अ रियल टाइम प्रोसेसिंग. रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब आज अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें डालते हैं, ऑटोमेटिकली आपका लेजर्स बन जाता है, ऑटोमेटिकली आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा. देन एंड देर आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट भी दिखाई दे देगा. देन एंड देर आपका रेशियोज वगैरह भी कैलकुलेट हो जाएगा. सो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, राइट. द मोमेंट यू डू अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरमेंट, आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो जाता है आपके लिए. तो देन एंड देर यू कैन सी, ओ फाइन, करेंट रेशियो ठीक है अभी, राइट. तो काफी सारा मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क भी हम लोग इसमें कर सकते हैं. सो हम लोग को मालूम है tally.erp9 क्या है, हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट. इसमें हम लोग, इट्स अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर मैनुअल अकाउंटिंग, इससे अच्छा हो नहीं सकता था रिप्लेसमेंट. एंड गोइंका जी ने जो डेवलपमेंट लाया है इसमें, वो एट इंडस्ट्री पार लाया है. जीएसटी आया, टैली में उसको डेवलप कर दिया गया. आपको मालूम है बचपन में एक चैप्टर हुआ करता था बीआरएस. इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाया गया कि ऑटोमेटिकली बीआरएस बन जाता है. मतलब अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, राइट, मतलब बैंकों से इस टैली एप्लीकेशन को लिंक कर दिया गया है, एंड ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट उसमें आप जब डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली बीआरएस बन के आ जाएगा. सोचिए कितना इफेक्टिव है ये, राइट. तो हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, जो भी हमारे को सिलेबस में कवर करना है तो बहुत सारा चीज, देयर आर वेरियस लेवल्स फॉर इट, बट हमारे करिकुलम में जितना है हम लोग उसको कवर अप करेंगे क्लास बाई क्लास, राइट. सो टूडे इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन. आई विल ऑल्सो शो यू हाउ द एप्लीकेशन लुक लाइक्स, एंड इफ टाइम परमिट्स वी विल पास फ्यू एंट्रीज एज वेल. सो बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट मैनुअल अकाउंटिंग. मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले आप लोग अकाउंटिंग डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि डाटा का ही प्रोसेसिंग होता है. अकाउंटिंग डाटा बोले तो सर, अकाउंटिंग, इफ आई वॉन्ट टू से अबाउट अकाउंटिंग डाटा, वॉट इज अकाउंटिंग डाटा? जैसे बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, टैक्स इनवॉइस होंगे, बिल्स वगैरह, ठीक है, पेमेंट स्लिप्स, रिसीप्ट स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, एंड अदर्स. ये सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है ये सब फिजिकल फॉर्म में होते हैं. सपोज मैं इस कंपनी का ओनर हूं, मैंने जितने भी एक्टिविटी की, मैंने परचेस किया उसका एक टैक्स इनवॉइस है, मैंने किसी को पेमेंट किया उससे मैंने साइन करा लिया पेमेंट स्लिप में, रिसीप्ट स्लिप्स है हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट है, और भी बहुत सारे वाउचर्स हैं, राइट. इन सबको मैंने ओनर को पकड़ा दिया. ओनर बोलेगा ये क्या है, इतने सारे कागज तुम भर के लाए हो बस्ता में, मैं क्या करूं इसका? बोला ये हमारा बिजनेस एक्टिविटी है. तो बोला व्हाट आई हैव टू डू विद इट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इन कागजों का मैं क्या करूं. इन डॉक्यूमेंट्स को आप कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करो इनको जर्नल्स में, राइट. इन वाउचर्स को अकाउंटिंग वाउचर्स का रूप दो, इन कन्वर्ट दिस अकाउंटिंग वाउचर्स इनटू रीडेबल लैंग्वेज. आज हजारों परचेज इनवॉइस है, हजारों सेल्स इनवॉइसेस हैं, हजारों पेमेंट स्लिप्स है, बैंक स्टेटमेंट्स है हर महीने का, मैं क्या करूं इतनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज को, हाउ कैन आई समराइज एंड गिव इट टू मी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग डाटा को आपको जर्नल्स में कन्वर्ट करना है, राइट. इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है आपका रिसीविंग एस्पेक्ट, कोई भी एक्टिविटी में इट्स अ रिसीविंग एस्पेक्ट, एंड देन वी हैव वन गिविंग एस्पेक्ट, एज सिंपल एज दैट. एक आपका हो गया रिसीविंग एस्पेक्ट, एक हो गया आपका गिविंग एस्पेक्ट.
तो पहले इन अकाउंटिंग डाटा को आप जर्नल्स में कन्वर्ट करिए, फिर आप लेजर्स बनाइए, राइट। जैसे सपोज मैं आपको जर्नल्स बताता हूं, एक जर्नल है हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, से फॉर एग्जांपल 2 लाख, 2 लाख, फिर मेरा वापस से मैंने एक बैंक अकाउंट खोला है SBI डेबिट टू कैश, इसमें मैंने 1 लाख 1 लाख जमा किया, फिर मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, एक फर्नीचर खरीदा है, बोला इन जर्नल्स का भी मैं क्या करूं। बोला साहब आपने तो बोला था कि अकाउंटिंग डाटा को जर्नल में कन्वर्ट करके लाओ, रिसीविंग एस्पेक्ट को प्लस करो, गिविंग एस्पेक्ट को माइनस करो। अच्छा, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस में क्या होता है, काफी सारा एक्सचेंज होता है। देखो जैसे मैंने परचेज किया, एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स, गुड्स, सर्विसेज, एसेट्स, राइट। अगर मैं, मेरे को कोई पूछेगा व्हाट इज बिजनेस, मैं बोलूंगा बिजनेस एक एक्सचेंज है। हर एक एक्सचेंज में एक रिसोर्स क्रिएट होता है। जैसे मैंने मेरे को ओनर ने पैसे, ओनर ने बिजनेस में फंड्स इन्वेस्ट किया है तो कैश रिसोर्स जनरेट हो गया। मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर रिसोर्स जनरेट हो गया। मैंने गुड्स खरीदा तो गुड्स एक रिसोर्स हो गया। कोई सर्विसेज लिया मैंने तो वो मेरा एक रिसोर्स हो गया। तो जब भी आप कोई भी एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं तो देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेस, उन रिसोर्सेस को मैनेज करना है, उन रिसोर्सेस का अकाउंटिंग करना है, उसी को तो हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। आज मेरे पूरे साल में 3-4 एक्टिविटी होती है तो आई कैन इजीली कीप एवरीथिंग इन मेमोरी। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हजारों रिसोर्सेस हैं, उनका हजारों बार लेन देन हुआ है, आया गया, तो एक नेट में मेरा रिसोर्स का क्या पोजिशन है मेरे को तो जानना है। तो उसके लिए हम लोग ये अकाउंटिंग का प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू अकाउंटिंग एंड देन वी विल थिंक वेदर टू गो फॉर मैनुअल अकाउंटिंग और गो फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। पहले तो मालूम होना चाहिए अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच गेट जनरेटेड। तो उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल वेन यू ड्रॉ इट इन अ पीस ऑफ पेन एंड पेपर। सर मेरे को समझ में आ गया। जितने भी बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होते हैं सब में एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स। इनको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। इन्हीं रिसोर्सेज का हमको मैनेजमेंट करना है, अकाउंटिंग करना है। तो हम लोग जर्नल्स बनाया, उसमें देखा कि कौन सा रिसोर्स आया है, हु इज द गिवर, राइट, व्हाट आई हैव रिसीव्ड, हु हैज गिवन। सो मैंने रिसीविंग एंड गिविंग एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया। नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट रीडेबल। मेरे को हर एक रिसोर्स का इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बनाओ, कैश का अलग, फर्नीचर का अलग, जितना भी गिविंग एस्पेक्ट है कैपिटल का अलग बनाओ, जितने भी सोर्सेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, या एवरी रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई सोर्स होगा। जैसे इस रिसोर्स के पीछे ओनर इज द सोर्स, इस रिसोर्स के पीछे कैश इज द सोर्स। तो मेरे को हर एक रिसोर्स का नेट पोजीशन चाहिए, हर एक सोर्स का नेट पोजीशन चाहिए। तो हम लोग लेजर बनाते हैं टी फॉर्मेट में, जिसमें डेबिट साइड में हम लोग रिसीविंग एस्पेक्ट, क्रेडिट साइड में गिविंग एस्पेक्ट, अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करके हमको हर एक रिसोर्स का नेट पोजीशन मालूम पड़ता है। तो हम लोग अकाउंटिंग डाटा से अपने जर्नल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग लेजर्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। सर ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी वेदर फ्रॉम द जर्नल्स लेजर हैज बीन प्रिपेयर्ड करेक्टली और नॉट। आज आपने इतना जो रिसीविंग गिविंग कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, रिसोर्सेस, सोर्स, आप क्या क्या बात कर रहे हैं, इन लाखों ट्रांजैक्शंस का, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का मैं क्या करूं? मेरे को हर एक रिसोर्स का, हर एक सोर्स का नेट पोजीशन जानना है। उसके लिए मैं लेजर में कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, तो कैश का नेट पोजीशन आ जाएगा। वैसे फर्नीचर का इनफ्लो आउटफ्लो, वैसे कैपिटल सोर्स का, वैसे क्रेडिटर एक सोर्स है, डेटर एक रिसोर्स है, स्टॉक एक सोर्स है, सर्विसेस, सबका मैं इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स बना के नेट पोजीशन निकाल के मैं ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट मैच कर जाता है,
तब मैं बोलता हूं कि जर्नल से लेजर करेक्टली बनाया गया है एंड एंड एरर ऑफ कमीशन इज जीरो, एरर ऑफ कमीशन इज जीरो, एरर ऑफ कमीशन नहीं है, देयर इज नो एरर ऑफ कमीशन, राइट। फर्दर दिस ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस जो आप बनाते हो कैसा दिखता है, देखिए सर ये आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, इसमें आप सब डेबिट का नेट पोजीशन लिखेंगे, क्रेडिट का नेट पोजीशन लिखेंगे, सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, सारे एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज इज द सोर्स, सोर्स यहां से पैसा आया है, यहां से गुड्स आया है, कैपिटल इज ऑल्सो द सोर्स, दीज टू आर गिविंग एस्पेक्ट, देन इनकम इज क्रेडिट, राइट। तो व्हाट डू यू से, टोटल डेबिट इज इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट। तो सर पहले आपको सारा फिजिकल फॉर्म में जितने भी अकाउंटिंग डाटाज होते हैं वो सब फिजिकल फॉर्म में होते हैं, पेपर फॉर्मेट में होते हैं, उनको आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करिए, जर्नल्स में कन्वर्ट करिए। कैसे, हर एक एक्टिविटी का एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स हुआ है, कोई भी एक्टिविटी में एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स होता है, उसमें रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, उन रिसोर्सेज के पीछे कोई सोर्स होता है, तो वो सब रिसीविंग एस्पेक्ट गिविंग एस्पेक्ट, रिसीविंग एस्पेक्ट गिविंग एस्पेक्ट, रिसीविंग एस्पेक्ट गिविंग एस्पेक्ट, ऐसे करके ही आपको देखना है। ओके, कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, अच्छा सर ये रिसीविंग गिविंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रिसीविंग एस्पेक्ट डेबिट होगा, गिविंग एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, बिजनेस में कैश आया, रिसीविंग एस्पेक्ट डेबिट, कैपिटल सोर्स क्रेडिट, इस तरीके से हम लोगों को करना है, रिसीविंग सोर्स, रिसीविंग सोर्स, रिसीविंग टू सोर्स, रिसोर्स टू सोर्स, रिसोर्स टू सोर्स, रिसीविंग एस्पेक्ट टू गिविंग एस्पेक्ट, डेबिट टू क्रेडिट, सर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब सबका समरी बनाना है, नेट पोजिशन निकालना है हर एक रिसोर्स का, हर एक सोर्स का, जिसके लिए अपन लेजर्स बनाते हैं। अब सर ये जो प्रोसेस है जर्नल से जो आपने लेजर बनाया ये सही है कि नहीं, बिकॉज अभी आप मैंने आपको थोड़ी देर क्या बोला था, हो सकता है डेबिट की जगह मैंने क्रेडिट में लिख दिया हो सकता है 2 लाख में 5 जीरो आता है मैंने 4 जीरो लिखा हो सकता है मैंने टोटल गलत निकाल लिया, हो सकता है मैंने बैलेंस गलत निकाल लिया, हो सकता है मैंने अकाउंट दूसरा में डाल दिया हो, राइट। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से हमको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में आइडिया लग जाता है, तो अपने टैली करता है तो अपने बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, मतलब इस टाइप की गलती, अरिथमेटिकल एरर्स, क्लेरिकल एरर्स नहीं हुआ है। सर इसका एक और फायदा है, इसका फायदा क्या है, इसके बाद अपन को बनाना रहता है, वी हैव टू ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स, राइट। व्हाट वी हैव टू ड्राफ्ट, वी हैव टू ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स, सो दिस बिकम्स वेरी इजी। फाइनल अकाउंट में लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वी हैव टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट, एंड वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इन डायरेक्ट इनकम्स आते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, एंड देन ऑल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। ओके, सो ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट, एंड इट हेल्प्स अस, एंड इट हेल्प्स अस इन मेकिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन ईजी वे। नहीं तो क्या है, हर एक पन्ना में, अच्छा इस पन्ना में कैश अकाउंट है, इसका बैलेंस ये है, अच्छा डेटर का बैलेंस कितना है, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, परचेस का टोटल कितना है, सेल का टोटल कितना है, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में सारा लेजर बैलेंसेस हैं, लेजर अकाउंट्स हैं, नाउ यू कैन इजीली प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम आता है, पीएल अकाउंट में हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम आता है, और बैलेंस शीट में हम लोग एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये चीज बनाते हैं। तो दिस इज मैनुअल अकाउंटिंग, ये सब चीज हम लोग को पेन एंड पेपर में करना पड़ता है, किसमें करना पड़ता है, वेयर वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस ऑल दिस एक्टिविटीज इन पेन एंड पेपर, सो दिस इज मैनुअल अकाउंटिंग। नाउ द प्रॉब्लम विथ मैनुअल अकाउंटिंग वॉज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकेम बल्की, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट वॉज ह्यूज, राइट, काफी सारा प्रॉब्लम्स होता था। फिर हम लोगों का जर्नल्स का बहुत सारा सब डिविजन्स बनाने लग गए हम लोग, हम लोगों ने परचेज डेबुक अलग बनाया, कैश बुक अलग बनाया, सेल डेबुक अलग बनाया, फिर इनको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होता था, उसके लिए हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया,
सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो काफी सारा प्रॉब्लम्स था मैनुअल अकाउंटिंग का, रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं हो पाता था। आज अगर मेरे को बैंक बोले, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, हर तीन तीन महीना में पीएल बैलेंस शीट, सर एक साल खत्म होता है उसके बाद बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। अरे भैया एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक 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 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट का, उसको बनाने में इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट प्रॉब्लम वी हैव टू स्पेंड 15 मिनट्स वी हैव टू स्पेंड जस्ट टू कंप्लीट दैट प्रॉब्लम। तो सोचो रियल टाइम में यू हैव टू एक्चुअली काउंट दिस स्टॉक, रियल टाइम में यू हैव टू एक्चुअली एनालाइज हाउ मच इज क्लोजिंग डेटर, हाउ मच इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, हाउ मच इज प्रीपेड एक्सपेंस, हाउ मच इज द चांस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर का बैड होने का चांस क्या, अकॉर्डिंगली आप प्रोविजन बनाते हैं। अगर डेटर का बैड होने का चांसेस ज्यादा है तो यू मेक हाई रेट ऑफ प्रोविजंस, अगर डेटर का प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 10% या जो भी आपका आपका एजर्शन लेवल है उस हिसाब से आप प्रोविजन बनाते हैं, प्लस आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो काफी सारा चीज अपने को रियल टाइम बेसिस पे करना पड़ता है, राइट, एंड देन वी कैन ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट। सो मैनुअल अकाउंटिंग इज अ वॉल्यूमनस टास्क, ह्यूज टास्क, हेडेक का चीज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बार बार करना पड़ेगा, भर भर के गलती होगी। अब आते हैं कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में, सो व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग डाटा then we have journals, सब ऑटोमेटिकली बन जाता है, खाली आपका जो फिजिकल फॉर्म में है राइट, इनको आपको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ऑटोमेटिकली इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाया गया है रियल टाइम बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे, मार्क माय वर्ड्स आई एम यूजिंग द वर्ड रियल टाइम बेसिस पे लेजर पोजीशन आप देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं, फाइनल अकाउंट देन एंड देयर बन जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑल्सो यू कैन जनरेट। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। मतलब सर ये सब कुछ नहीं करना है, नथिंग, ओनली वाउचर्स को कन्वर्ट करो ट्रांजैक्शंस में, दैट्स इट, दैट्स इट, रेस्ट इज easy, right? Now I will tell you there are some features of this tally.erp9, this accounting application ka features kya hai tally ka, wo main aapko bataunga. Sabse pehla drill down functionality, matlab मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप कुछ भी देख सकते हैं, सिंपली आप एंटर 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 मारते चलिए, आपको अंदर के अंदर 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 लेते जाएगा। जैसे मैंने लेजर्स में एंटर मारा, वो मेरे को लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखाएगा, फिर मैंने उसके लेजर में जाके एंटर मारा, जो मेरे को लेजर देखना है वो मेरे को सब लेजर का डेबिट क्रेडिट दिखाएगा,
जिस ट्रांजैक्शन में मैं एंटर मारूंगा मेरे को उस ट्रांजैक्शन का पूरा वो डिटेल दिखा देगा। वापस से अगर पीछे आना तो एस्केप 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 एस्केप, तो ड्रिल डाउन फंक्शनैलिटी होता है इस अकाउंटिंग एप्लीकेशन में। कोडलेस अकाउंटिंग सिस्टम, कोई कोड वगैरह नहीं है, सिंपल आप जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं वैसे ही है, राइट उसी तरीके से बनाया गया, बट खाली आपको यहां पे जर्नल पास करना है, बस आपको खाली यहां पे यू हैव टू ओनली पास जर्नल एंट्रीज, रेस्ट एवरीथिंग विल बी डन ऑन अ रियल टाइम बेसिस, देयर आर नो कोड्स। साइमल्टेनियस ऑपरेशंस, जैसे यहां पे हम लोग एक स्टेप फॉलो करते थे, ओके अकाउंटिंग डाटा से पहले जर्नल्स, फिर हम लोग करेंगे लेजर्स, फिर हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस, और फिर करेंगे फाइनल अकाउंट, एक के बाद एक। बट कंप्यूटराइज में ऐसा नहीं है, जर्नल पास करो साइमल्टेनियसली सब कुछ बनेगा। अकाउंटिंग फॉर ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यू विल फाइंड दैट सिस्टर कंसर्न है, ब्रदर कंसर्न है, मदर कंसर्न है, फादर कंसर्न है, मेरे चार पांच तो कंपनीज है किसी में मैं कोई चीज का। एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन में देयर इज एन ऑप्शन दैट यू कैन क्रिएट मल्टीपल कंपनीज यू वांट, सो अकाउंटिंग बिकम्स इजी। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज का अकाउंटिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं। लीडिंग अकाउंटिंग पैकेज है, इसके टक्कर में आज के दिन में कोई नहीं है, नो वन इज नेक्स्ट टू टैली, राइट। कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन, क्या चीज का मैनेजमेंट करना है, डेटर्स मैनेजमेंट, यू नीड टू फाइंड आउट योर आउटस्टैंडिंग, यू नीड टू फाइंड आउट योर ड्यू डेट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्रिएटेड, आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम लेके आना है, आपको स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट बनाना है, एवरीथिंग यू कैन डू, एवरीथिंग, राइट। फ्लेक्सीबिलिटी, वेरी इजी टू यूज एंड फ्लेक्सीबल है। Easy to use, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ज्यादा मत, मतलब डोंट से, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एनी कंप्यूटर हार्डवेयर, सो हार्डवेयर इज अ वेरी सेंसिटिव, अगर आप कोई भी चीज गलत कर देते हैं या कुछ भी होता है तो आपका जनरली वो क्या खराब हो जाता है, बट एक सॉफ्टवेयर में क्या होगा, यूज करिए ना, जितना बार जो करना है आपको करिए, अल्टीमेटली यू विल लर्न, अभी तो आपका लर्निंग स्टेज है, राइट right? बहुत सिंपल है यूज करना, देख देख के ओके हाँ ऐसे करना है, इस फीचर को ऑन करना है, ओके ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, फॉलो द स्टेप्स, यू विल बी इजी टू डू इट, राइट। स्पीड का कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहां पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल इज रियल टाइम प्रोसेसिंग, सीधा एंटर मारेंगे गेम वहीं पे खत्म, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी वेट नहीं करना पड़ेगा। इसका कोडिंग इस तरीके से किया हुआ है, प्रेस एंटर एवरीथिंग, स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट उसी समय बन जाएगा, बैलेंस शीट उसी समय बन जाएगा, पीएल उसी समय बन जाएगा, सब कुछ देन एंड देयर बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ेगा। Right, so this is a brief introduction about Tally, right? Let us quickly summarize. It's an accounting application and it replaces manual accounting. Previously it was known as Petronix. ये सब MCQ वगैरह में बहुत easy होगा, जब आपको test देना पड़ेगा, right? Then only you are going to get the certificate. तो उसमें आपको ये MCQs वगैरह पूछेगा. It's a complete business solution for all the managements that we require. Different type of MIS reports also you can prepare, right?
मेन होता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस. आप स्टैट्यूटरी कंप्लायंस अगर मान लीजिए आप टैक्स पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं, या आपने जीएसटी का आपने कलेक्शन करके पेमेंट नहीं किया है, तो काफी सारा कंप्लायंस रिलेटेड वर्क्स आल्सो यू कैन डू वेरी इजीली. यू कैन सी दैट रिसेंटली इन दिस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन बहुत सारा ड्यू डेट का एक्सटेंशन मिलता है कि ओके फाइन आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंने इतने दिन तक बढ़ा दिया. क्यों ऐसा एक्सटेंशन क्यों मिलता है? बिकॉज लोगों को डाटा प्रोसेस करने में टाइम लगता है, राइट? आज हम लोग अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में कर रहे हैं, फिर भी टाइम लग रहा है. क्यों? क्योंकि रिकंसिलिएशन करना पड़ता है, राइट? सो काफी सारा चीज है, हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे, राइट? सो आई होप एज ऑफ नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट आस्क टिल नाउ. अभी तक जो सिखाया उसमें अगर कोई डाउट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो वी आर गोइंग टू मूव अहेड. वेरी गुड. चलिए सर, इन फीचर्स के साथ में हम लोग हमारा टैली एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं. मैं क्या करूंगा इन आवर क्लासेस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, थोड़ा सा थ्योरी प्रैक्टिकल्स, थ्योरी प्रैक्टिकल. ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा एंड देन वी विल डू द प्रैक्टिकल्स, इट द सेशन विल बिकम वेरी बोरिंग एंड आप लोग जनरली उतना कुछ सीख नहीं पाएंगे, राइट? आइए. सो नाउ अभी हम लोगों को सीखना है एग्जाम में कैसा टेस्टिंग पैटर्न होगा, सब बता दिया जाएगा, राइट? यू नीड टू ओनली लर्न राइट नाउ. अभी आपका काम ही है खाली सीखने का. आइए. सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है कल. मेरी कंपनी ऑलरेडी एक क्रिएट की हुई है अंकित इंफोटेक के नाम से, राइट? तो माय स्क्रीन आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा. यस सर, राइट? सो दिस इज योर स्क्रीन. अगर किसी का कंपनी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो उसको वो वाला स्क्रीन दिखाई देगा. मैं दिखाऊंगा, राइट? सो राइट नाउ इफ आई गो टू सेलेक्ट कंपनीज, तो यू कैन फाइंड दैट नो कंपनीज इज क्रिएटेड एज ऑफ नाउ, राइट? नो कंपनीज इज क्रिएटेड एज ऑफ नाउ. अगर किसी ने कल वाला प्रोसेस फॉलो नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सिंपल, किसी ने अगर कल वाला प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, यू कैन गो टू टैली सॉल्यूशंस, गो टू डाउनलोड्स. ये तो टैली प्राइम है, नीचे आइए प्रीवियस वर्जन, यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, लेटेस्ट वाला ले लीजिए tally.erp9. आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए. इंस्टॉल करेंगे तो आपको सेटअप फाइल आएगा, उसको जैसे जैसे वो लोग बोल रहा है उसको रन करके फिर वर्क इन एजुकेशनल मोड कर दीजिएगा. बस फर्क यही है, हम लोग डेट वाइज अकाउंटिंग करेंगे, आप 1 अप्रैल को ही सारा अकाउंटिंग करेंगे, राइट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स. और अगर किसी ने कल वाला प्रोसेस फॉलो किया है तो आसानी से कर सकता है. अभी आइए. तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड वीडियोज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है. तो सेलेक्ट कंपनीज तो कर नहीं पाएंगे सर, लेट अस क्रिएट कंपनी. सो मैंने कंपनी क्रिएट करना है. अभी देखो मेरा डायरेक्टरी पाथ क्या है, /tally.data. सो ऑल माई कंपनीज क्रिएटेड विल बी सेव्ड, ऑल माई कंपनीज क्रिएटेड will be saved in e-drive. मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप चाहें तो आप ये डायरेक्टरी पाथ चेंज कर सकते हैं. सो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं. अभी मैं इसको डी ड्राइव में कर दूंगा. देखिए मैं इसको डी ड्राइव में कर दूंगा, लेट अस स्टार्ट. सो मैंने क्या किया, डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं. मैं इसका नाम दे देता हूं टैली डाटा.
न्यू बोल के रख देता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना लिया डी ड्राइव में, और इस फोल्डर में देखिए एम्प्टी है। अभी मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा तो कॉपी एड्रेस हो जाएगा। टैली डाटा न्यू में ऊपर में जो यूआरएल का दिया हुआ है वहां पे मैं कॉपी एड्रेस कर लीजिए आप, कॉपी एड्रेस, ठीक है। अभी मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। मैं इसके, अच्छा बाहर आना है तो एस्केप दबाएंगे, आगे अंदर जाना है तो एंटर 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 एंटर, बाहर आना है तो एस्केप। आपको पूछ रहा है क्विट येस और नो, बाय डिफॉल्ट ये येस पे रहता है, बाय डिफॉल्ट येस पे रहता है। अगर नो करेंगे एन दबा दीजिए हो जाएगा। नो करने के लिए आप ऐसे माउस से भी कर सकते हैं, नो पे क्लिक और एन भी दबा सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जब मैं क्विट करता हूं, बैक स्पेस जाऊंगा तो क्विट का ऑप्शन दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट एंटर दबाएंगे तो ये येस होगा। देखिए मैं आ गया हूं, अभी मैं इसको वापस से, मैं टैबली एप्लीकेशन के बाहर आ जा रहा हूं, मैंने येस कर दिया। अभी मेरा ये सेव कहाँ किया हुआ है, देखो मेरा ई ड्राइव में सेव था ये, तो मैं ई में गया, टैली डाटा, टैली एप्लीकेशन के नीचे कॉन्फ़िगर सेटिंग्स है, राइट, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो इस तरीके का एक नोटपैड खुल रहा है। इस नोटपैड में आप देखिए स्पेसिफाई फाइल लोकेशन, डाटा आपको कहाँ स्टोर करना है उसका फाइल लोकेशन दिया हुआ है यहां पर। तो मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देना है, कंट्रोल वी, क्योंकि कॉपी एड्रेस मेरा किया हुआ है। कंट्रोल वी कर दूंगा तो डी डबल कोलोन स्लैश टाली डाटा न्यू आ जाएगा, टाली डाटा न्यू आ जाएगा। राइट, सिंपल यहां क्रॉस करूंगा तो सेव का ऑप्शन दिखाएगा, सेव हो गया। इसको बंद कर दीजिए, वापस से आप आ जाइए टैली में। देखिए कोई कंपनी क्रिएटेड नहीं है बोल के मेरा ये वाला पेज आ रहा है। वापस से मैं क्रिएट कंपनी में जाऊंगा, जस्ट एरो बटन यूज करिए आप। देखिए अब मेरा पाथ चेंज होके डी ड्राइव हो गया, ठीक है। अब मैं नाम दे देता हूं अंकित इन्फोटेक, राइट। ये मेरा पूरा नाम नहीं है, मेरा कंपनी का पूरा नाम है अंकित इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मैंने बस खाली नाम दे दिया अंकित इन्फोटेक शॉर्ट फॉर्म, यहां पर भी यही रहने देते हैं। एड्रेस आपको जो देना आप दे दीजिए, 127/C कॉमा आजरा रोड, कंट्री इंडिया, सॉरी कंट्री तो हमारा इंडिया ही है। अभी आप देखिए अगर आप कोई दूसरा लेते हैं, से मैं इटली लेता हूं, आप अभी आप स्टेट में हैं, अभी आप कंट्री में जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। स्टेट हमारे को वेस्ट बंगाल लेना है, पिन कोड है हमारा 7,40,000। तो जैसे आप कंट्री में इंडिया लिए है ना, तो देखिए आपका बेसिक करेंसी सिंबल नीचे में INR दिखा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इंडोनेशिया लेंगे तो देखिए आपका RP आ गया, इंडोनेशियन रुपया आ गया, राइट। वहीं अगर आप इजिप्ट लेंगे तो आपका इजिप्शियन पाउंड आ जाएगा। तो जैसा आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं जिस कंट्री का, वैसा ऑटोमेटिकली आपका करेंसी सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इंडिया ले रहा हूं, तो इंडिया लेने से मेरे को स्टेट भी पूछ रहा है, राइट। वेस्ट बंगाल, मैंने अपना पिन कोड डाल दिया है, फोन नंबर 98, फोन नंबर में लैंडलाइन दे दो, ये मैं ऐसे रैंडम बैठा रहा हूँ, डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर, मेनी हैज द हैबिट ऑफ डूइंग इट। 9830953113, दिस इज ओरिजिनल नंबर, यू कैन कॉल ऑन दिस बट नॉट एट 11 o'clock इन द नाइट। दिस इज अंकित डॉट पटवारी एट द रेट द BGES.edu.in। आपको जो जो डिटेल देना आप दे सकते हैं,
राइट, www.ankinfo, ये मेरा वेबसाइट का नाम है, ऐसा है नहीं, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, आपको जो डिटेल देना आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें कर देता हूं कंट्रोल ए, नहीं तो आपको ऐसे एंटर एंटर मारते मारते नीचे आना पड़ेगा। टैली में अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी सेव करना है, टैली में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी सेव करना है, तो आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे को ये सब और कुछ नहीं, मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया, मेरे को ये सब कुछ नहीं करना। नीचे नीचे कितना सारा ऑप्शन है देखो, ये सब इतना सारा चीज, मेरे को सीधा कंट्रोल ए कर दूंगा तो मेरा कंपनी सेव हो जाएगा। तो दिस वॉज द पेज व्हेन आई स्टार्टेड माई क्लास, दिस वॉज द पेज। इफ आई वॉन्ट टू अगेन कम टू दैट फ्रंट पेज, राइट, गेटवे ऑफ टैली का ये हमारा मेन पेज है, तो मेरे को करना है कंट्रोल ऑल्ट, सॉरी ऑल्ट एफ वन। आप ऑल्ट एफ वन करेंगे तो वापस से फ्रंट पेज में आ जाएंगे, राइट। वापस से मेरे को आप सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को अंकित इन्फोटेक दिखाई देगा, सेलेक्ट करने से मेरे को अंकित इन्फोटेक दिखाई देगा। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कैसे करके डाटा को एक्सेस करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर आप देखिए रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट देख रहे हैं आप, अब इसके अंदर में देखिए कितना कुछ है, एक के अंदर में, एक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, वैसे वन ऑफ द रिपोर्ट इज बैलेंस शीट, ठीक है। मैंने बैलेंस शीट में एंटर कर दिया, तो ये मेरा अभी तक, हालांकि मैंने कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं किया है, करंट एसेट में भी कुछ नहीं है, एस्केप मार के पीछे आ जाइए, राइट, कुछ भी नहीं है, जैसे ऐसे आप मूव कर रहे हैं अपना कर्सर को, एरोस को, राइट। अभी मैं देखिए ऑल्ट पी इज फॉर प्रिंट, मैंने क्या बताया अभी तक, शॉर्टकट्स वगैरह याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस ए इज टू सेव एनीथिंग, नहीं तो आपको एंटर 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 मारते मारते आपको पूरा नीचे आना पड़ेगा, फिर आपको पूछेगा यस और नो, तो यस में आप एंटर मार दीजिएगा, नहीं तो आप बीच में ही, अगर आपको और कोई डिटेल फिलअप नहीं करना है तो सिंपली यू कैन पास कंट्रोल ए, डन, ठीक है, ओके। अगर गेटवे ऑफ टैली से मेन पेज में आना है, गेटवे ऑफ टैली से मेन पेज में आना है तो ऑल्ट एफ वन, गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको मेन पेज में आना है ऑल्ट एफ वन, आई रिपीट, इफ आई हैव टू सेव एनीथिंग आई हैव टू प्रेस ऑल्ट, सॉरी, इफ आई हैव टू सेव एनीथिंग आई हैव टू प्रेस कंट्रोल ए, इफ आई हैव टू सेव एनीथिंग आई हैव टू प्रेस कंट्रोल ए, एंड इफ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली आई हैव टू कम टू मेन पेज वेयर सेलेक्ट कंपनी क्रिएट कंपनी ऑप्शन इज देयर, तो मैं करूंगा ऑल्ट एफ वन, ऑल्ट एफ वन, ठीक है, ऑल्ट एफ वन, ठीक है। सो कंट्रोल ए इज व्हाट, कैन एनीवन रिपीट, स्विच ऑन द माइक एंड से, सर टू सेव फॉर समथिंग, सेविंग, टू सेव, वेरी गुड, यस सर, ऑल्ट एफ वन, ऑल्ट एफ वन क्या चीज का है, टू गो टू द मेन पेज, मेन पेज, फ्रॉम गेटवे टू मेन पेज, सर गेट, फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली टू मेन पेज वेयर दैट सेलेक्ट कंपनी क्रिएट कंपनी ऑप्शन इज देयर, इफ आई हैव टू प्रिंट समथिंग देन आई हैव टू डू ऑल्ट, ऑल्ट पी, ऑल्ट पी। नाउ यू कैन सी दैट यहां पर ऑप्शन है, ऊपर में देखिए पी के नीचे डैश दिया हुआ है, डैश का मतलब ही होता है ऑल्ट, डैश का मतलब ही हो गया ऑल्ट, मैंने कर दिया ऑल्ट पी, राइट। तो प्रिंटर अटैच नहीं है, जैसे मैं यस करूंगा ऑटोमेटिकली प्रिंट निकल जाएगा। अभी देखिए यहां पर बैलेंस शीट के नीचे विथ प्रिंट प्रीव्यू किया हुआ है, मतलब अभी प्रिंट नहीं होगा। कैसे प्रिंट लेते हैं आप कभी भी कोई कंट्रोल पी करते हैं तो पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते फिर आप प्रिंट लेते हैं ना, या आप डायरेक्टली भी प्रिंट ले सकते हैं बिना प्रीव्यू देखे, सीधा कंट्रोल पी दबाया एंटर मार दिया, या पहले प्रिंट प्रीव्यू में जाके फिर वहां से आप प्रिंट ऑप्शन दबाते हैं। तो देखो ऑल्ट प्लस आई,
Alt plus I is print preview. Alt plus I is print preview. तो अभी देखो मैं Alt I जब टिपूंगा तो यहां से with preview हट गया, अब ये डायरेक्टली प्रिंट लेगा, लेकिन मेरे को प्रीव्यू देखना है तो मैं Alt I टिपूंगा. I have to see the preview, so I will press Alt I. Now I will press Enter. तो ये मेरे को प्रीव्यू दिखा रहा है, प्रिंट का प्रीव्यू दिखा रहा है, प्रिंट का प्रीव्यू दिखा रहा है. इट इज शोइंग मी प्रिंट प्रीव्यू. इफ आई जूम इट, नीचे ऑप्शन है जूम का, देखो प्रिंट प्रीव्यू पेज में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. प्रिंट प्रीव्यू पेज में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. एक बार जूम करते हैं, एक बार जूम करते हैं. जूम में आपको, जूम में आपको पूरा बैलेंस शीट का कैसा पिक्चर है वो दिख रहा है. कैपिटल इतना, लोन इतना, करंट लाइबिलिटी इतना, करंट एसेट इतना, इस टाइप का चीज आपको यहां पर दिख रहा है. अब मेरा बात ध्यान से सुनिए सर, ये बैलेंस शीट आप किसको देंगे? ये बैलेंस शीट आपको गवर्नमेंट को जमा करना है, ये बैलेंस शीट आपको लेंडर्स को देना है, ये बैलेंस शीट आपको शेयर होल्डर्स को देना है, राइट? सब लोगों को देना है, बिकॉज वॉट एवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग डाटा हो गया वो सब, वाउचर्स, पेमेंट स्लिप, रिसीव स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, उसको आप प्रोसेस करते हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट. जो फाइनल अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये अकाउंटिंग डाटा नहीं है, डाटा उसको बोलते हैं जो फिजिकल फॉर्म में है, वो डाटा हो गया. ये हो गया इंफॉर्मेशन, आपने डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट किया. तो ये इंफॉर्मेशन आप किसको भेजेंगे? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, सर लेंडर्स को देना पड़ेगा, सर शेयर होल्डर को भेजना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने गवर्नमेंट को भेजा ये डाटा, मैंने इंडियन गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन मैंने इंडियन गवर्नमेंट को दिया है. इंडियन गवर्नमेंट देख रहा है, अंकित इंफोटेक से उसका पीएल और बैलेंस शीट आया है. प्लीज चेक वेदर अंकित इंफोटेक का टैक्स पेमेंट इज ओके और नॉट. गवर्नमेंट मारे जा रहा है, मारे जा रहा है. एक दिन, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, पूरा महीना बीत गया, फुल मंथ इज ओवर, गवर्नमेंट इज अनेबल टू फाइंड आउट हु इज अंकित इंफोटेक, बिकॉज अंकित इंफोटेक बोल के तो कोई है ही नहीं गवर्नमेंट के बुक्स में. गवर्नमेंट के बुक्स में है अंकित इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड. कहने का मतलब है टैली एप्लीकेशन में मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया था, लेकिन मेरे को रिपोर्ट्स में मेरे को मेरा पूरा नाम चाहिए. मेरे को यहां पे मेरा रिपोर्ट में अंकित इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड मांगता है. आई नीड माय फुल नेम बाय विच द आउटसाइडर्स नो मी. नो वन नोज मी विद अंकित इन्फो. अंकित इन्फो क्या है? गवर्नमेंट के बुक्स में ऐसा कोई कंपनी नहीं है. गवर्नमेंट के बुक्स में अंकित इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है. सो दैट इज वाई गवर्नमेंट इज अनेबल टू वेरीफाई माई रिपोर्ट्स. तो सर इसमें क्या करना है? एस्केप मार के पीछे आएंगे, एस्केप मार के पीछे आएंगे. जितना आप अंदर गए थे एंटर मार मार के, उतना आपको एस्केप मार के पीछे आना है. अब यहां देखिए, राइट? अब मेरे को कंपनी का डाटा को ऑल्टर करना है, कंपनी का डाटा को ऑल्टर करना है. ऑल्ट एफ थ्री, ऑल्ट एफ थ्री इज इक्वल्स टू ऑल्टर ऑप्शन. Alt F3 is equals to alter option. Gateway of Tally से अगर आप Alt F3 करेंगे तो यहां पे आपको alter का option दिखाएगा. Escape करिए. Gateway of Tally से अगर आप Alt F1 करेंगे आपको Select and Create का option दिखाएगा. तो Select कर लीजिए, अंकित इंफोटेक में आ जाएंगे. लेकिन Alt F3 करेंगे तो आपको alter का option दिखाएगा. Alt F3 में आपको alter का option दिखाएगा. ठीक है, Alt plus F3, from gateway to alter page, from gateway to alter page, alter. एक ही कंपनी है, इसका डाटा को alter करना है. तो नाम में, नाम मतलब नेम, नेम means by which you want to keep this file. The name by which you want to save this data. तो यहां पर आपको पूरा नाम लिखने का दरकार नहीं, लेकिन mailing name. Mailing name मतलब what name you want to print. What name you want to print on your information,
on your reports. That is Ankit Infotech Private Limited. आपको बार बार एंटर मारने का दरकार नहीं, नहीं तो ये आपको 16 टाइम्स एंटर मारना पड़ेगा. Can you hear the voice? लास्ट yes, में जाके लास्ट में जाके आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मार रहा है, नहीं तो आप सीधा वहीं पे कंट्रोल ए कर देते. सो अभी मैं एस्केप मार के पीछे आऊंगा. एस्केप मार के नाउ इफ आई अगेन गो टू बैलेंस शीट, एंटर, ऑल्ट पी, ऑल्ट पी में विथ प्रीव्यू किया हुआ है तो सीधा एंटर मारो. गो टू जूम, देखो अब मेरा पूरा मेलिंग नेम आ गया. सो द डिफरेंस बिटवीन नेम एंड मेलिंग नेम इज, नेम इज फॉर कम्युनिकेशन विथ इनसाइडर्स. मेरा बॉस मेरे को बोला अंकित इन्फो में जाके एक जर्नल एंट्री पास कर दो, तो अंकित इन्फो में जाके रिपोर्ट निकाल लो, तो लेकिन उस रिपोर्ट में क्या नाम प्रिंट होगा, दैट्स मेलिंग नेम. मेलिंग नेम इज कम्युनिकेशन विथ आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स आपको क्या नाम से जानते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम एंड मेलिंग नेम. नाउ सो नाउ यू कम टू नो दैट हाउ टू ऑल्टर. पहले आपने कंपनी क्रिएशन सीख लिया. सर हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू क्रिएट कंपनी अपने कॉपी में लिखे, मैं भी अपने कॉपी में लिख रहा हूं. हाउ टू क्रिएट कंपनी सर आपने बता दिया. क्रिएट कंपनी में जाके डाटा वगैरह फीड करना है, जो जो देना दे दीजिए, नहीं तो कंट्रोल ले करके सेव करके बाहर आ जाइए. अगर आपको ऑल्टर करना है तो गेटवे ऑफ टैली से ऑल्ट एफ थ्री, ऑल्टर ऑप्शन आएगा, ऑल्टर करके वापस से कंट्रोल ए. हाउ टू ऑल्टर, हाउ टू ऑल्टर, राइट? हाउ टू ऑल्टर कंपनी. ओके नाउ एस्केप एस्केप एस्केप. अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक एनिमी है, मेरा एक दुश्मन है. वो क्या किया मालूम है? वो गया ऑल्ट एफ थ्री में, ऑल्ट एफ थ्री में जाके ऑल्टर में गया, कंपनी सेलेक्ट किया और सीधा ऑल्ट डी मार दिया. हाउ टू डिलीट कंपनी, हाउ टू डिलीट कंपनी, ऑल्ट प्लस डी, हाउ टू डिलीट कंपनी, ऑल्ट प्लस डी, एंटर. आर यू श्योर? यस. गया सेलेक्ट कंपनी में, कोई दिखाई नहीं रहा है. सर इसका मतलब तो आई कैन नॉट लीव माय पीसी लेफ्ट अलोन. इफ आई लीव माय पीसी लेफ्ट अलोन समवन विल इरेज माय डाटा. यस बेटा, यस बेटा, यस बेटा, समवन विल इरेज द डाटा. नाउ व्हेन आई क्रिएट, हाउ टू क्रिएट आई हैव टॉट यू, हाउ टू ऑल्टर आई हैव टॉट यू, हाउ टू डिलीट आई हैव टॉट यू. नाउ हाउ टू सिक्योर योर कंपनी, how to secure, how to secure company. Go to create Ankit Infotech, mailing name is Ankit Infotech Private Limited India, West Bengal. I don't want to give any other information. Now, sometimes what happens, your financial year is beginning from April, but you started your business in the month of May. So, आप यहाँ पर क्या करेंगे? First May 2021 आप select कर सकते हैं. आपका financial year April से start हो रहा है, but आपका books May से start होगा. तो you can just enter that, no problem, right? तो आपका स्टार्टिंग डेट जब आप ट्रांजैक्शंस को पास करेंगे तो आपका स्टार्टिंग डेट अप्रैल नहीं दिखाएगा, मई दिखाएगा, ठीक है? नाउ आई वांट टू सिक्योर माय कंपनी, तो टैली वॉल्ट पासवर्ड आप इसको रख सकते हैं. जैसे मैंने अभी 1 2 3 4 रख रहा हूं मैं, तो मेरा दिखा रहा वीक है. इसमें अगर मैं एट द रेट डाल दूं, अभी भी थोड़ा वीक दिखा रहा है. एट द रेट 1 2 3 4 देख रहा है, 1 2 3 4 एट द रेट 1 2 3 4. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. तो अभी मैं सिंपल रखता हूं.
1 2 3 4, रिपीट पासवर्ड 1 2 3 4, मैं यहां पे लिखूंगा, कहीं पे मैं लिख लूंगा, क्योंकि अगर मैं भूल गया ना, गॉन, तो माई टैली वॉल्ट पासवर्ड, टैली वॉल्ट पासवर्ड इज 1 2 3 4, ठीक है, एंटर. यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, नाउ यू कैन यूज इट अकाउंटेंट वाइज, मैनेजर वाइज, यस, वाई करने से यस हो जाएगा. सो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इज अंकित, अंकित का सिक्योरिटी कंट्रोल में अंकित एडमिनिस्ट्रेटर है. अब अंकित अपना पासवर्ड देगा. अगेन आई एम गोइंग टू कीप 1 2 3 4, सिंपल रखता हूं मैं एक बार, 1 2 3 4, राइट. देखो यहां पे, देखो जैसे मैं एंटर मार रहा हूं रिपीट पासवर्ड के बाद में, वो आपको बोल रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल. सो मेरा टैली वॉल्ट पासवर्ड इज 1 2 3 4, एंड माई, जैसे एटीएम कार्ड का अगर आप पिन नंबर भूल जाएंगे तो कैन यू विड्रॉ मनी, आंसर इज बिग नो, आंसर इज बिग नो, देन यू हैव टू गो फॉर दैट पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट, राइट. एनी वे, बट यहां पे आपका डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, राइट. 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज माई सिक्योरिटी. अभी मैं ऑडिट फीचर में नहीं जाना चाहता हूँ, सीधा मैं कंट्रोल ए करूंगा, इतना बार एंटर नहीं प्रेस करूंगा, मेरा कंपनी क्रिएट हो गया. अभी देखिए जैसे मैं घुसूंगा ना, राइट, अब जैसे मान लो, देखो अब मैं सेलेक्ट कंपनी कर रहा हूं, कुछ नाम भी नहीं दिखा रहा है, नाम भी नहीं दिखा रहा है, तो इसमें कौन सा कंपनी अंकित का है कैसे मालूम पड़ेगा. अभी तो जैसे एक ही है, राइट. तो मैं यहां पे एंटर मारा, वॉल्ट पासवर्ड मारूंगा पहले मैं, 1 2 3 4. अब घुसने के लिए मेरा एनिमी को मेरा पासवर्ड भी चोरी करना पड़ेगा, तो वो तो मेरे ब्रेन में है, वो मेरा सिस्टम एक्सेस कर सकता है, जब भी उसको मौका मिलेगा ही कैन गो टू द सिस्टम, राइट. तो जैसे ही वॉल्ट पासवर्ड ओके रहेगा, नाम अब डिस्प्ले कर देगा, अब नाम डिस्प्ले करने लग जाएगा. अब आपको सिक्योरिटी फीचर्स डालना है जो एडमिनिस्ट्रेटर का था, तो मैं डाल रहा हूं अंकित, अंकित था, पासवर्ड था 1 2 3 4, भूल गया. अब आप चाहें आप ऑल्ट F3 में जाइए, अब आप ऑल्टर करिए, ऑल्ट F3 में जाके आप ऑल्टर करिए, नाउ आपको सेलेक्ट करके, नाउ अगर आप ऑल्ट D करेंगे तो नाउ यू कैन डिलीट इट. सो इफ यू वॉन्ट टू सेव योर डाटा फ्रॉम योर एनिमी, इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर डाटा, यू कैन गो फॉर दिस सिक्योरिटी फीचर्स गिवन इन टैली. तो ऐसा नहीं है कि आपका डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, यू कैन हैव योर टैली वॉल्ट पासवर्ड फीचर एंड दिस सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर. सो मेरे को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे. राइट नाउ आई हैव टॉट यू हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू ऑल्टर कंपनी, हाउ टू डिलीट अ कंपनी, एंड हाउ टू सिक्योर अ कंपनी. इज दैट फाइन? तो सर लेट अस रिवाइज वंस अगेन, राइट. कंट्रोल प्लस ए इज एनीवन? टू सेव, टू सेव, यस सर. ऑल्ट प्लस F1 सर, टू मूव बैक टू फ्रंट पेज फ्रॉम द गेटवे, गेटवे से मेन पे. ओके. ऑल्ट P इज सर, टू प्रिंट. ऑल्ट प्लस I, प्रिंट विदाउट रिव्यू सर, प्रिंट विद रिव्यू सर, प्रिंट विद रिव्यू. हां यस सर, यस सर. ऑल्ट प्लस F3 सर, फ्रॉम गेटवे टू ऑल्टर पेज, गेटवे ऑफ टैली टू ऑल्टर पेज. ऑल्ट प्लस D सर, टू डिलीट द कंपनी, राइट. एंड फॉर सिक्योरिंग अ कंपनी यू यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड फीचर एंड सिक्योरिटी फीचर. सपोज इफ आई, आज का काम हो गया मेरा, मैं क्विट करके बाहर आ जा रहा हूं, ठीक है. कल मेरे को ऑफिस में, मैं कल ऑफिस में आऊंगा, टैली ओपन करूंगा, सीधा देखो मेरे को पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है मेरे को टैली वॉल्ट पासवर्ड पूछ रहा है. सो मैं 1 2 3 4 डालूंगा, फिर मेरे को अंकित, मेरा 1 2 3 4, डाटा इज एक्सेसिबल, राइट. चलिए आइए. सो ये हमारा हो गया. अब मैं आपको इसमें आज कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज करके दिखाऊंगा. तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है मास्टर में, मास्टर डाटा में एक है अकाउंट इन्फो, एक है हमारा, किसी का माइक ऑन है, बंद करो.
inventory info. Someone mic is on, please switch it off. Please mute yourself. Account info, inventory info, एंड उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स. ठीक है, अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स, दिस इज आवर थ्री प्रोसेस. तो लिखो टैली डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम. टैली डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम. नाउ टैली में आप दो तरीके से डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं. एक होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, अनदर वन इज स्मार्ट मेथड. फर्स्ट आई टॉट यू मैनुअल वर्सेस कंप्यूटराइज्ड. नाउ कंप्यूटराइज्ड ऑल्सो यू कैन फॉलो टू. ट्रेडिशनल मेथड बोलता है फर्स्ट अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट इन्फो में क्रिएट लेजर्स. आपको लेजर क्रिएट करने हैं, दैट इज रिसोर्सेस, जैसे कि आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, राइट, एंड सोर्स, जैसे कि आपका कैपिटल हो गया, आपका क्रेडिटर्स हो गया. अच्छा, रिसोर्स में आपका सैलरीज आएगा. मतलब आपको लेजर अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे. अकाउंट्स इन्फो, जो भी आपके बिजनेस एक्टिविटी में वॉट एवर एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट इज इन्वॉल्व्ड, एक्सेप्ट गुड्स, क्योंकि गुड्स का अलग से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इन्फो. इसमें तीन होता है. एक हो गया आपका ग्रुपिंग, जैसे मान लो अंकित इन्फोटेक लैपटॉप भी बेचता है, मोबाइल फोन्स भी बेचता है, तो मेरे दो ग्रुप बनेंगे, लैपटॉप्स का अलग एंड मोबाइल फोन्स का अलग. अभी मेरा आएगा यूनिट ऑफ मेजर. यूनिट ऑफ मेजर जैसे आपका केजी में है, नंबर्स में है, लीटर्स में है, बैग में है, पीस वाइज है, क्या आपका यूनिट ऑफ मेजर है. उसके बाद आप बनाएंगे स्टॉक आइटम्स, उसके बाद आप बनाएंगे स्टॉक आइटम्स. आइटम कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया डेल लैपटॉप अंडर लैपटॉप ग्रुप, एचपी लैपटॉप अंडर लैपटॉप ग्रुप, वीवो स्मार्टफोन अंडर मोबाइल्स, ओप्पो स्मार्टफोन अंडर मोबाइल्स.
इस तरीके से मेरे को पहले ग्रुपिंग्स करना है, ग्रुप करके यूनिट ऑफ मेजर निकालना है, फिर आइटम्स क्रिएट करना है, फिर मैं पास करूंगा अकाउंटिंग वाउचर्स। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया, अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स, मतलब ट्रांजैक्शंस को मैं एंटर करूंगा। अभी आपको मालूम है जनरल के कितने सब डिविजन्स होते हैं, राइट? बट हमारे यहां पर है 20 तो, बट अभी हम लोग 6 ही सीखेंगे। एक है हमारा कॉन्ट्रा जनरल, एक है हमारा पेमेंट जनरल, एक है हमारा रिसीप जनरल, एक है हमारा जनरल प्रॉपर, एक है हमारा सेल्स जनरल, और एक है हमारा परचेस जनरल। ये हो गया हमारा F4, F5, F6, F7, F8, F9, F4, F5, F6, F7, F8, F9. सो टैली डाटा प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, टैली डाटा प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर। अभी मैं स्मार्ट मेथड नहीं बता रहा हूं, अभी मैंने आपको खाली ट्रेडिशनल मेथड बताया है। सर पहले आपको सारे लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट? जैसे अभी जो मैंने आपको यहां पे 3 ट्रांजैक्शंस बताया, सो हाउ मेनी लेजर्स यू हैव टू क्रिएट? 1, 2, माइक ऑफ करो सम्राट घोष। SBI कैश ऑलरेडी बना हुआ है 1, फर्नीचर 4, कैश 1। सो मेरे को ये 4 लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी मेरा इसमें इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि मैंने कोई गुड्स परचेस नहीं किया है। जो अपने लेजर फोलियो नंबर देते थे ना जनरल में, लेजर फोलियो नंबर, मतलब लेजर इज एन हार्ड बाउंड बुक। लेजर एक कॉपी की तरह होता है, इट्स अ नोटबुक, जहां पे हर एक पेज में, फर्स्ट पेज में हमारा कैश है, सेकंड पेज में हमारा बैंक अकाउंट है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको कितने लेजर्स खोलने हैं। जनरल बनाने के बाद जो लेजर फोलियो कॉलम होता है वहां पे आप लिखते हैं ना 1, 2, 3, 4, ये वही चीज नंबरिंग है। बट यहाँ पर वैसे नहीं होता, यहाँ पर एक एक लेजर आपको जा के क्रिएट करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस यू क्रिएट, दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू अकाउंटिंग। तो जितने भी ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से आपको 4 डिफरेंट लेजर खोलने हैं, राइट? दैट्स अकाउंट इन्फो। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो, आप किस आइटम में डील करते हैं वो आइटम का लिस्ट भी आपको बताना पड़ेगा, स्टॉक आइटम का लिस्ट। अगर आपका कोई ग्रुप नहीं है तो बाय डिफॉल्ट द सिस्टम विल पुट इट इनटू प्राइमरी ग्रुप। एक ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है प्राइमरी बोल के, राइट? अगर आपको अपना कोई ग्रुप बनाना है तो आप उसको उसी हिसाब से आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने लैपटॉप का ग्रुप बनाया है, मोबाइल्स का ग्रुप बनाया। अब जैसे यहाँ पे लैपटॉप में यूनिट ऑफ मेजर नंबर होगा, मोबाइल में भी यूनिट ऑफ मेजर नंबर होगा। उसके बाद मैं आइटम्स बनाऊंगा, डेल लैपटॉप विल कम अंडर लैपटॉप्स। तो इस ग्रुप में मेरे 2 आइटम्स हो गए, इस ग्रुप में मेरे 2 आइटम्स हो गए, राइट? तो स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, राइट? यू कैन ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू क्रिएट गोडाउन। जैसे मेरे 4 गोडाउन है, लेक टाउन, टॉलीगंज, पार्क स्ट्रीट, खिदिरपुर। 4 गोडाउन का अलग अलग रिपोर्ट भी बन सकता है, स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, राइट? आइटम वाइज, गोडाउन वाइज, ग्रुप वाइज, राइट? देन अकाउंटिंग वाउचर्स, कॉन्ट्रा, पेमेंट। अच्छा, हम लोग जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे हम लोग इसको एक साथ रखते थे बाय द वर्ड कॉल्ड कैश बुक। वी यूज टू कीप इट टूगेदर एंड वी यूज टू कॉल इट एज कैश बुक। बट अंडर दिस टैली एप्लीकेशन पेमेंट अलग एंट्री होगा, रिसीप्ट अलग होगा, राइट? फर्दर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग अगर मैनुअल अकाउंटिंग का बात करते हैं, कैश सेल्स यहां होता था, क्रेडिट सेल्स यहां होता था, बट टैली एप्लीकेशन में सारा सेल ऑफ गुड्स यहीं होगा,
फर्क सिर्फ यही है, यहाँ पे आप कोई पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप पार्टी नेम में कैश लिख दीजिएगा। इधर में भी क्रेडिट परचेस, कैश परचेस, जनरल प्रॉपर आप लोग को मालूम ही है, बोलने का दरकार नहीं है। पेमेंट रिसीप्ट कॉन्ट्रा में आपका होगा, इन कॉन्ट्रा यू विल हैव कैश डिपॉजिट टू बैंक फॉर ऑफिस यूज, नॉट फॉर ड्रॉइंग्स। कैश विड्रॉवल फॉर ऑफिस यूज, अगर आपके दो बैंक ट्रांसफर्स, सेल्फ बैंक ट्रांसफर्स, अगर आपके दो बैंक अकाउंट है तो क्या है, मेरे को इस अकाउंट में मेरा कोई पेमेंट आने वाला है, किसी और अकाउंट में पैसा है, तो वहां से निकाल कर यहां आप डालेंगे, राइट। सो बहुत ही सिंपल है सर, अपने को क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर्स क्रिएट करना है, इन्वेंटरी इन्फो में जाके आइटम क्रिएट करना है, ग्रुप्स क्रिएट करना है, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है। पहले आप ग्रुप क्रिएट करेंगे, फिर आप यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे, फिर आप आइटम, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। एंड फिर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट वो आपको पेमेंट जर्नल में रखेगा या रिसीप्ट जर्नल में रखेगा, जैसा जर्नल होगा वैसा बुक सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग की तरह कैश बुक नहीं होता, पेमेंट अलग होता है, रिसिप्ट अलग होता है। कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, दोनों ही परचेज डे बुक में आएगा, बस खाली पार्टी नेम में आप कैश सेलेक्ट कर लीजिएगा, राइट। इस तरीके से अभी स्मार्ट में तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। स्मार्ट में क्या बोलता है, डायरेक्टली गो फॉर स्टेप थ्री। स्मार्ट मेथड में बोलता है आपको यू कैन डायरेक्टली गो फॉर स्टेप थ्री प्लस, ऑल्ट प्लस सी आप यूज करिए, ऑल्ट प्लस सी, यू कैन डायरेक्टली गो टू स्टेप थ्री। And use Alt plus C. I can directly go to step 3 and use Alt plus C. I can directly go to accounting vouchers and press Alt plus C. I will show you. So first I will go by traditional method and then I will go by accounting vouchers. ट्रेडिशनल मेथड में पहले मैं क्रिएट करूंगा अकाउंटिंग वाउचर्स एंड देन आई विल शो यू डायरेक्टली, जर्नल बनाते वक्त ही आप रेस्पेक्टिव अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, बट दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं तो जैसे कोई भी, जैसे कैपिटल है तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है कुछ, सपोज मान लो आप सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इफ यू गो बाय दिस मेथड वी कैन पुट ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग लेजर्स, लेकिन शॉर्टकट मेथड में ओनली आप लेजर क्रिएट कर पाएंगे, आप ओपनिंग बैलेंस नहीं बैठा पाएंगे। इफ यू गो बाय ट्रेडिशनल मेथड you can create, right, you can create ledgers by putting up opening balances, but when you follow shortcut you do not get any option to put up opening balance. Dekhne mein mota moti similar hi rehta hai, but shortcut method mein aap opening balance bethane ka aapko chance nahi milega. Sir hum log to opening entry pass karte the, lekin tally application mein aap jabhi bhi ledger create karenge aap ओपनिंग बैलेंसेस बैठाएंगे, वही एक ओपनिंग एंट्री की तरह ही होता है, राइट। आइए, सो अभी मैं आपको खाली तीन जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा बाय ट्रेडिशनल मेथड
एंड देन हम लोग स्मार्ट मेथड से उसको करेंगे. तो कैसे करना है? मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ सर, जब आप टैली वॉल्ट वाला वो जो पासवर्ड सेट किए, वो तो जब हम लोग एकदम नया कंपनी बना रहे हैं तभी कर पाएंगे ना. क्रिएटेड कंपनी का तो हम लोग टैली वॉल्ट नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? ऑल्ट ऑल्ट में जाके आप ऑल्टर कर लीजिए डिटेल. सर वहां पे गए पर वहां पे टैली वॉल्ट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, आप एक बार करके देखिए. उसको एनेबल करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है सर. टैली वॉल्ट का फीचर को आपको एनेबल करना पड़ेगा. जी सर. ठीक है आइए. So, हमारा तीन जनरल एंट्री है, बहुत सिंपल है. बिजनेस में हमने पैसा डाला है, राइट? आई हैव पुट अप कैश इनटू द बिजनेस, देन सम मनी इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंड देन आई हैव परचेस्ड फर्नीचर विद कैश ऑफ रुपीज 50,000, राइट? दिस इज माय थ्री जनरल एंट्रीज. आइए नाउ. सो हमारा कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है. अभी इन जर्नल्स को बैठाने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. लेट अस गो टू अकाउंट इन्फो. यू कैन सी ग्रुप्स. ओके नाउ जब भी आपको ग्रुप ग्रुप का मतलब मैं आपको बता देता हूं एक बार. जब आप बैलेंस शीट में आएंगे तो यू कैन सी कैपिटल अकाउंट इज अ ग्रुप, लोन लाइबिलिटी is a group, current liability is a group, current asset is a group, right? वैसे जब आप PL आएंगे तो यहां पर अभी ऐसे कुछ दिखा नहीं रहा है. डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, राइट? इस तरीके से आपका ग्रुप्स बना हुआ है. तो टैली में अगर आप ग्रुप्स में प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली, मान लो सपोज रिपेयर, तो मेरे को तो सिस्टम को बताना पड़ेगा रिपेयर एसेट है कि एक्सपेंस है. बिकॉज अगर रिपेयर एसेट है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, अगर रिपेयर एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सो सिस्टम में पूरा ग्रुपिंग किया हुआ है. जब भी मैं लेजर्स को क्रिएट करूंगा, राइट, व्हेनेवर आई गो एंड क्रिएट एनी लेजर्स, यहां पे आप देख सकते हैं मेरे को अंडर पूछ रहा है. जैसे मैं अगर मान लो मैं बनाता हूं रेंट, यहां पे मेरे को पूछ रहा है, इतने सारे ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं आप देख सकते हैं. दीज आर 28 ग्रुप्स. आई रिपीट, 28 ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ज्यादा ग्रुप से क्रिएटेड है. राइट मैं आपको दिखाता हूं. अब वापस से बैक आ जाइए. ये अकाउंट इन्फो है, इसमें आपको देखो ग्रुप्स दिखाई दे रहा है. जैसे इन्वेंट्री इन्फो का मैंने ग्रुप बताया था, वैसे लेजर्स के भी ग्रुप होते हैं. वो बाय डिफॉल्ट है. जैसे आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को कि फर्नीचर क्या है आपके लिए, एसेट है कि एक्सपेंस है. यू हैव टू टेल द ये सिस्टम, राइट? मिस्टर शर्मा आपका डेटर है कि क्रेडिटर है, तो कैसे मालूम पड़ेगा सिस्टम को कि इसको इससे आपने खरीदा है कि इसको बेचा है. जैसे आप ग्रुप्स में आएंगे, देखिए यहाँ पे एक आप, अच्छा कोई भी चीज जब आप क्रिएट करते हैं मल्टीपल फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल सिंगल एक एक करके भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए आपका दो चीज है. हमेशा जब भी आपको कोई भी चीज देखना हो ना, मल्टीपल ग्रुप का डिस्प्ले में आइएगा, राइट? इफ आई हैव टू सी हाउ मेनी ग्रुप्स क्रिएटेड ऑलरेडी, ग्रुप्स कितने बनाए हुए हैं, राइट? हम लोग अभी चार्ट ऑफ अकाउंट समझ रहे हैं. चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए. चार्ट ऑफ अकाउंट्स. सो कम टू अकाउंट इन्फो. ग्रुप्स अभी मैं क्रिएट नहीं कर, मैं देखना चाहता हूं कितना ग्रुप है, क्योंकि बैलेंस शीट में दिख रहा है कैपिटल, लोन, करंट एसेट, ग्रुप्स दिखाई दे रहा है. मैं हमेशा
मल्टीपल ग्रुप का डिस्प्ले में आऊंगा एंड ऑल आइटम्स सेलेक्ट करूंगा, ऑल आइटम्स 28 ग्रुप्स बनाए हुए हैं मैंने जो बताया ना वहां पे, वो लोग दिखा रहा था बिकॉज ओडी इस तरीके से वहां पे अलग अलग चीज दिखा रहा है, बट इस तरीके से हमारा इतना ग्रुप बना हुआ है राइट इसमें ये बैलेंस शीट में दिख रहा था आपको, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, फिक्स्ड एसेट नहीं दिख रहा था क्योंकि कोई आइटम बनाया हुआ नहीं था, नहीं तो अलग से आ जाता फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट भी एक ग्रुप है, करंट एसेट भी एक ग्रुप है, ब्रांच डिवीजन अगर आपका कुछ है, मिसलेनियस एक्सपेंस, जो ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक आपने पीएल में राइट ऑफ नहीं किया, जैसे डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और सस्पेंस राइट, सेल्स परचेज, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो टैली में जब भी आप कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं यू हैव टू स्पेसिफाई कि ये एसेट है जब बेटा एक चीज सोचो, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन को आपको जर्नल बनाना है, आपको आपको जर्नल पास करना है, आप क्या करते हैं, गोल्डन रूल लगाते हैं राइट, ओके कैश इज अ रियल एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझ में आ रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा ना सिस्टम को कि कैश क्या है, रेंट इज एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सिस्टम को बताने से सिस्टम उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहता है, अच्छा ये एक्सपेंस है तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, ये प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस है तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा, अच्छा ये डेटर क्रेडिटर है, ये कैपिटल है तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा, उसी हिसाब से सिस्टम उसका अकाउंटिंग एंट्रीज करने में आपको मदद करेगा ना, अकॉर्डिंगली पीएल बैलेंस शीट बनाएगा। सो 28 ग्रुप्स हैं, 28 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 28 नंबर, 28 ग्रुप्स में लिखिए 15 इज मेन ग्रुप, 15 आपका मेन ग्रुप है, 28 में आपका 15 इज मेन ग्रुप, थर्टीन इज आपका सब ग्रुप, फिफ्टीन आपका मेन ग्रुप है, थर्टीन आपका सब ग्रुप है, राइट। सो आउट ऑफ 28 डिफॉल्ट ग्रुप्स जो टैली में ऑलरेडी बनाया हुआ है, टैली में ऑलरेडी 28 ग्रुपिंग किया हुआ है, जितना भी रिसोर्सेस सोर्स जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो आई हैव टू पुट समथिंग अंडर वन ग्रुप राइट, तो वैसे 28 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें 15 हमारा मेन ग्रुप है, 15 हमारा मेन ग्रुप है, 13 सब ग्रुप है, 15 जो मेन ग्रुप है उसमें 9 बैलेंस शीट रिलेटेड है और 6 पीएल रिलेटेड है। देख लो 28 में 15 इज मेन ग्रुप, 13 इज सब ग्रुप, इज दैट क्लियर? आउट ऑफ दैट 15, 9 इज बैलेंस शीट रिलेटेड, 9 इज बैलेंस शीट रिलेटेड एंड 6 इज पीएल, 1 टू 9 इज बैलेंस शीट एंड 10 टू 15 इज पीएल, ठीक है सर। 28 में 15 मेन ग्रुप मतलब प्राइमरी ग्रुप, मेन जो ठोस होता है, उस 15 में 9 बैलेंस शीट रिलेटेड है, 6 पीएल रिलेटेड है, बाकी जो 13 है दैट इज 16 टू 28, आप देख सकते हैं ये सब सब ग्रुप्स हैं, मतलब मेन ग्रुप के अंडर में जो ग्रुप होता है, जैसे करंट एसेट के नीचे कैश, बैंक, डेटर, लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट, स्टॉक इन हैंड, देखो नीचे के है करंट एसेट के ग्रुप्स हैं, स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब आप कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं या कोई टेलीफोन कनेक्शन लेते हो तो आप डिपॉजिट पे करते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को टेम्पोरली उधार में दिया पैसा, डेटर्स, कैश, बैंक, आप दिखाते नहीं है देखो, एंड करंट लाइबिलिटी में 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अगर आपका कोई जीएसटी पेबल है, आपने अगर कोई भी प्रोविजंस बनाया जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, आपका क्रेडिटर्स राइट,
लोन में आपका तीन ग्रुप बनाया हुआ है, तीन ग्रुप, तीन सब ग्रुप्स बनाया हुआ है। बैंक ओडी एक टाइप का लोन होता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। कैपिटल में आपका एक सब ग्रुप दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि कैपिटल में इन केस ऑफ कंपनी आप प्रॉफिट्स को अलग रखते हैं, जनरल रिजर्व होता है, राइट सर? मेरे को समझ में आ गया। 28 मेन ग्रुप है। जब भी मैं कोई भी लेजर क्रिएट करूंगा अकाउंट इन्फो में, मेरे को लेजर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मेरे को लेजर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इज दैट फाइन? आई हैव टू स्पेसिफाई द लेजर्स। सर एक प्रॉब्लम है। हाँ सर, जैसे आपका 28 जो ग्रुप्स है सब एक साथ दिखा रहा है सर, हम लोग का मेरा स्क्रीन में एटलीस्ट 25 दिखा रहा है, फिर थ्री मोर करके दिखा रहा है, तो उसको सबको एक साथ क्लिक करके हैं। थ्री मोर में क्लिक करो, तुम्हारा स्क्रीन साइज छोटा होगा। ओ अच्छा, इसलिए हो रहा है, ठीक है सर। हाँ तुम्हारा, मेरा तो, मैं तो डेस्कटॉप में यूज कर रहा हूँ, मेरा 32 इंच का डेस्कटॉप है, राइट? ये तो कॉमन सा चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 28 तो ग्रुप्स हैं, जिसमें 15 मेन ग्रुप है, 13 सब ग्रुप है। अच्छा, ये जो 13 सब ग्रुप है, देखो सारा बैलेंस शीट रिलेटेड है। 13 सब ग्रुप्स जो बनाया, ऑल बैलेंस शीट रिलेटेड, ठीक है? अच्छा सर, आपको मालूम है इन्होंने ना एक ठो सब ग्रुप नहीं बनाया। कौन सा सब ग्रुप नहीं बनाया सर? करंट लाइबिलिटी में ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के होता है, आपको मालूम है? उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं बेटा, आओ, कोई बात नहीं। मैं वापस से अकाउंट इन्फो में गया, ग्रुप्स में गया, मैं क्रिएट का बटन दबा दूं, तो दबा दो, नाम दे दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और दे दिया। अच्छा ये तो सब ग्रुप है, अगर ये मेन ग्रुप है तो प्राइमरी रखो। नहीं सर, ये करंट लायबिलिटी के अंदर में आएगा। अच्छा बेटा ठीक है, करंट लायबिलिटी, एक सेकंड, करंट लायबिलिटी सर आ गया, करंट लायबिलिटी के अंदर में आ गया सर। सर अभी ये सब नीचे का छोड़ दो, नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे से छोड़ दो, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए कर दो। और कुछ बनाना है? हाँ सर, प्रीपेड बनाना है सर, प्रीपेड सर, प्लीज प्रीपेड बनवा दो ना सर, प्री पेड एक्सपेंसेस सर। ये ना फिक्स्ड एसेट के अंडर में आएगा, रॉन्ग क्लासिफिकेशन। टैली में ये गलती होती है, जब आप टैली एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप क्लासिफिकेशन एरर को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन एरर, अकाउंट को गलत क्लासिफाई करना, एक्सपेंस को एसेट की तरह ट्रीट करना, एसेट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना, कितना सारा रेक्टिफिकेशन हम लोग अपनी लाइफ में किए हैं, वो गलती यहां पर भी हो सकती है। बिकॉज लेजर्स आपको क्रिएट करना है, आपको बताना है। जैसे मैं रिपेयर करता हूं, रिपेयर मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन अगर मैं मोटर ट्रेनिंग कंपनी में काम करता हूं तो वहां पे रिपेयर, वो लोग का काम ही यही है, गाड़ी ठीक करना, उन लोग के लिए रिपेयर इनकम है। रैदर इनकम मतलब क्या, इनडायरेक्ट इनकम नहीं है उनके लिए, ये डायरेक्ट इनकम है। ओ माय गॉड, क्लासिफिकेशन गलती कहीं पर भी हो सकता है, मैनुअल हो चाहे कंप्यूटराइज्ड हो। तो ये ध्यान से देना सर, ये करंट एसेट में आएगा, सर ये करंट एसेट में आएगा। कंट्रोल ए, कुछ भी सेव करना है कंट्रोल ए, वापस एस्केप करके पीछे आ जाओ। सर अभी मैं ग्रुप्स में हूं, टैली गेटवे में, अकाउंट इन्फो में जाके मैं ग्रुप्स में गया। आपने बोला था सिंगल ग्रुप का डिस्प्ले में मत जाना, सिंगल ग्रुप का डिस्प्ले में जाओगे तो आपको ऑल आइटम्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो सारा ग्रुप्स आप एक साथ नहीं देख सकते, हमेशा मल्टीपल ग्रुप का डिस्प्ले में जाना, ऑल आइटम्स। सर देखो 30 हो गया, वाह सर 30 हो गया, 30 हो गया, बाय डिफॉल्ट 28 था, उस 28 में 15 प्राइमरी, 13 सब ग्रुप, आपने दो अपने हिसाब से क्रिएट कर लिया, वाओ। अगर मेरे को टैली का ग्रुपिंग नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपना ग्रुपिंग कर सकता हूं, मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अपना ग्रुपिंग बना लिया, अब मेरे 30 ग्रुप हो गए हैं। तो ये जो दिया, जरूरी नहीं है ये आपके काम का हो। सर मेरे लिए तो कूड़ा करकेट है, मैं अपना बनाऊंगा, मैं अपना बनाऊंगा, आपके पास पूरा हक है अपना बनाने का, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द जर्नल एंड
we will just I just told you how to create groups. In the similar way, I will be creating ledgers, and then I will go for, kyunki inventory hai nahi, bolke I will directly go for accounting vouchers. So next session is gonna be full practical. मैंने आज जो भी पढ़ाया है, प्लीज काइंडली जो भी नोट्स आपने लिया है उससे आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करिए. नाउ वी विल टेक अटेंडेंस. प्लीज वेट फॉर सम टाइम. अटेंडेंस लेना इट्स वेरी कंपल्सरी. नो वी कैन नॉट गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशंस. यू हैव टू बी वेरी मच 100% इन क्लास प्रेजेंट. आइए. सो लेट अस call the names and please don't give proxies, right? क्योंकि certificate issue होगा, कोई problem नहीं आना चाहिए. Just I'll call out the names. You can mark your presence and leave the class. Mark your presence and leave the class. If you don't change the storage part, no problem. उस particular drive में problem आएगा. जब उस drive को format करना रहेगा तब जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डाटा सारा उड़ जाएगा. सर बाद में चेंज कर सकते हैं क्या स्टोरेज? हाँ आप करो, फिर आपका वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा. जो नया बनाएंगे, जो पुराना रहेगा वो उस ड्राइव में रहेगा, नया वाला रहेगा तो उस ड्राइव में आ जाएगा. बट बार बार मत चेंज करना. बहुत बार क्या होता है, डाटा इनएक्सेसिबल हो जाता है, उड़ जाता है. आइए. So tomorrow is our next class. Same time we will have regular classes so that we can complete it as soon as possible. We are in rhythm. Please, हम लोग करेंगे इसको. Thank you so much. Let me give the attendance.